यहाँ पे मुझे लग वाई डू आई फील कि यार यहाँ पे मैंने टारगेट जो है रॉन्ग चूज किया है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके इंस्टाग्राम को छान सकता है, सर्च कर सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको किसी भी तरह के पर्सन को अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोस नहीं करने देना चाहिए। मतलब कि अगर आप उसको थोड़े बहुत भी जानते हो, नहीं जानते हो, देन यू शुड नॉट मेक देम फॉलो योर अकाउंट। एंड मतलब कोई भी आता है बोलता है कि यार मैं आपके 500 फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, यू शुड नॉट डू दैट विद पर्सनल अकाउंट्स। अपने एक सेपरेट अकाउंट रख के वहाँ पे आप अपना जो भी रील्स बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, वो आप कर सकेंगे। पर्सनल अकाउंट्स पर्सनल रखिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करने देना चाहिए। ओके एंड यहाँ पे ये जो टूल है इस काइंड ऑफ रिलेटेड टू सोशल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ओके तो ये भी एक तरह से इलीगल है। अगर आप इसको इलीगल तरह से यूज़ करते हैं, सो वॉट आई रिकमेंड यू कि आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज या फिर सिर्फ ऐसे यूज़ कीजिए अपने दोस्तों के ऊपर, लेकिन डोंट यूज़ इट ऑन एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी। अगर आप यूज़ भी करते हैं तो यार, अगर आप पकड़े जाते हैं तो यार डोंट से कि यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी भी से सीखा है, डोंट से दैट। ओके तो अगर आपको ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारा गोल जो है 50,000 सब्सक्राइबर्स का, वो हम पूरा करना चाहते हैं। देन यू कैन सब्सक्राइब दी चैनल। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए। तो चलो भाई चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि यहाँ पे एक टूल क्या क्या कर सकता है। तो ये आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। ये हमारे पास एक गिटहब का लिंक ओपन करके मैंने रखा है। इसका लिंक ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। इसका नाम है OS Instagram। और ये क्या करता है, ये आपको टेक्निकली ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको ला के दे सकता है एक प्रोफाइल पे। एड्रेस हो गया, कमेंट्स, फॉलोवर्स, ईमेल आईडीज, नंबर्स, इंफॉर्मेशन, लाइक्स, फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह। और इसको यूज़ करने में बहुत ही ईजी, यहाँ पे आपको कोई भी हाई लेवल नॉलेज ज़रूरत है नहीं। जल्दी से इसको इंस्टॉल करके मैं बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस लिंक को कॉपी कीजिए गिट क्लोन का। ओके एंड यू कैन यूज़ लिनक्स और मैक और इवन विंडोज़ फॉर इट। मैं यहाँ पे काली यूज़ करूँगा। पेस्ट क्लिपबोर्ड, एंटर। ओके तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एक्सिस्टेंट है तो यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट गो टू ओ इंस्टाग्राम। ओके एंड लेट्स डू LS। और इस LS में यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यू टू डू डाउनलोड द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है पड़ेगा, आपको pip इंस्टॉल। ओके यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, या कहाँ गया, हाँ, pip इंस्टॉल rrequirements.txt। ओके rrequirements.txt। और आप इसको डालेंगे तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को रन करने के, फिर एप्लीकेशन रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे ये डाउनलोड कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं जो डाउनलोड है वो शुरू हो चुका है, इट्स डाउनलोडिंग। तो ये डाउनलोड होने के बाद, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे आपको कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे LS डालिए, गो टू कॉन्फिगर, एक और स्टेप है। और यहाँ पे आपको LS कीजिए। ओके एंड यू विल सी credentials.ini। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ फेक इंस्टाग्राम अकाउंट। डोंट गिव अ पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके यहाँ पे मैं फिर से बोलूँ, पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल नहीं देना है। एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कीजिए। इस फाइल में जाइए, विम्प। ओके आई एम यूजिंग विम्प, यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर। और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे दीजिए जो आपने फेक क्रिएट किया है। डोंट गिव योर पर्सनली मेक ईमेल अकाउंट या फिर जो ऑफिशियल, वो मत दीजिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और इसको देने के बाद यू नीड टू जस्ट गो टू बैक टू CDD। ओके एंड यहाँ पे LS करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहा होगा main.py। इसके लिए आपको पाइथन चाहिए अगर आपको पता नहीं हो, एंड main.py। एंड इसको रन कीजिए, कुछ तो एरर है। क्या एरर है भाई, हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना है जो आपको किस यूज़र नेम पे जो है, यू हैव टू टारगेट द यूज़र नेम। यहाँ पे आपका खुद का, अपना खुद का अकाउंट ही दे देता हूँ। ओके 1:37 लेटर। यहाँ पे मुझे लग वाई डू आई फील कि यार यहाँ पे मैंने टारगेट जो है रॉन्ग चूज किया है। मुझे लगता है मैंने तीन पोस्ट नहीं किया, आई थिंक आई हैव चूजन ए रॉन्ग टारगेट हियर। ओके लेट मी जस्ट गो टू टारगेट एंड सेलेक्ट न्यू टारगेट। ओके दिलीप शर्मा अंडरस्कोर, मैंने रॉन्ग टारगेट चूज कर लिया था, पता नहीं किसका था वो। ओके सो नाउ लेट मी सी व्हाट इज द लाइक्स, या सो नाउ यू कैन सी 24,000 लाइक्स है। तो उसके बाद व्हाट एंड ऑल यू कैन सी, यू कैन जस्ट डाउनलोड द फोटो, यू कैन डाउनलोड माय फोटो, हाउ मेनी फोटोज यू वांट टू डाउनलोड, डिफॉल्ट इज आर, लेट मी से रिव्यू टू
डाउनलोडिंग टू फोटो, यहाँ पे दो फोटो और डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बात है नहीं। लेकिन दैट्स द रीज़न, ओके, यहाँ पे ईजिली यू कैन सी हैश टैग्स, फोन नंबर्स, ई मेल्स, फॉलोइंग्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, यू कैन डाउनलोड एवरी थिंग। मतलब जहाँ पे टैग हुआ है, टारगेट क्या है, एड्रेसेस क्या हैं। मतलब अगर आप किसी तरह के पोस्ट में जाते हैं, लाइक इफ़ यू अपलोड सम पोस्ट और वहाँ पे आपने टैग किया है किसी तरह के लोकेशन, देन इट विल गेट दैट एड्रेस एंड इट विल शो इट हियर। एंड यू कैन गिव कैप्शंस, कमेंट डेटा, यहाँ पे बहुत कुछ आप यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। स्टोरीज यू कैन डाउनलोड, यू कैन जस्ट गिव स्टोरीज। ओके, होपफुली मैंने अभी तक स्टोरी कुछ डाला है नहीं, सो सॉरी, नो रिजल्ट फॉर्म, बिकॉज मैंने स्टोरी नहीं डाला। तो दिस इज़ वॉट यू कैन डू फ्रॉम दिस सॉफ्ट अप्लीकेशन। और मैंने यहाँ पे ये इसलिए मैं यहाँ पे कर पाया क्योंकि जो अकाउंट है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू माय इंस्टाग्राम एंड आई विल अनफॉलो दैट अकाउंट एंड आई विल शो यू कि उसके बाद क्या होता है। आई विल जस्ट रिमूव इट। ओके, तो मैंने इस अकाउंट को रिमूव कर दिया है। नाउ दिस अकाउंट इज़ नॉट फॉलोइंग मी। ओके, नाउ अगेन आई विल ट्राई टू डू दिस एड्रेसेस, सो नाउ इट विल गिव मी एरर। ओके, नाउ देर इज़ नो ऑथराइजेशन क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैंने दिलीप कुमार ये दिया था। ओके, इट्स ओके, ओके तो शर्मा। एंड नाउ इफ़ आई डू लिस्ट एंड ADDRS, सो यू कैन सी इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, यूज़र हैव अ प्राइवेट अकाउंट। सो दैट द रीज़न यू नीड टू कीप योर अकाउंट प्राइवेट, और यहाँ पे ज़्यादा लोगों को आपको फॉलो नहीं करने देना चाहिए, दिस इज़ द मेन रीज़न। तो मैंने आपको बता दिया बहुत क्विक तरीके से कि क्यों आपको किसी भी तरह के लोगों को आपके अपने अकाउंट्स पे फॉलो करने के लिए नहीं देना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन शेयर दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में एक और नए टूल से, एंड तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।